क्या है वो? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हम बाहर गए थे, तो वहाँ पर आयशा जेली खाने की जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको, उस दिन तो हम लोग बाहर से कुछ उसको खिलाए नहीं थे, तो मैंने सोचा आज उसको कुछ सरप्राइज़ देती हूँ। वो भी घर पे है नहीं, तो वो स्कूल से आएगी तो उसको अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा बाहर का खिलाने से अच्छा है कि मैं घर में ही उसके लिए जेली बना देती हूँ। तो उसकी तैयारी के लिए तो मैं लग गई थी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि मुझे जेली बनाना है और उसमें एक क्रंची फ्लेवर भी डालना है, तो उसके लिए मैंने साबूदाने को बॉईल करके और छान के रख दिया है, और यहाँ पर जेली को भी पका लिया है। तो खाली उसको ठंडा होके उसको दोनों को सेट करना है। और मैं इधर ये वाली जेली ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा है और टेस्ट कैसा है। तो जैसे कि मैंने जेली जो सेट करने रखी थी वो सेट हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से वो हुई है सेट। तो मेरी जेली हो गई है पूरी तरह से अच्छे से सेट, और अब मैं इसको टर्न करती हूँ और उसका जो उसमें साबूदाना डाली थी वो कैसा दिख रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो अपन साथ में देखते हैं। तो मैंने जेली को तो टर्न करके रखी हुई, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टेक्सचर भी अच्छा दिख रहा है। तो आयशा के आने के बाद देखते हैं इस जेली का टेस्ट कैसा है और उसे पसंद आता है या नहीं। तो आयशा स्कूल से आ गई है और वो अभी बाहर खेलने गई है। वो, उसको पता है कि कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, पर क्या मिलने वाला है उसको इसका आइडिया नहीं है कि क्या सरप्राइज़ है। तो मैं सोच रही थी उसको सरप्राइज़ देने से अच्छा है, पहले सरप्राइज़ देने से पहले कुछ उसके साथ कुछ प्रैंक करते हैं। तो अभी मैं उसको बुलाती हूँ और वो प्रैंक में क्या रिएक्शन देती है और सरप्राइज़ में क्या रिएक्शन देती है वो आपके साथ शेयर। तो आयशा आ गई है खेल के, उसको बुला लिया हम लोग ने, और वो अभी बेडरूम में उसको उसके रेडी लेके, बेडरूम में है वो, तो उसके रेडी उसको लेके आ रहे हैं। तो मैं उसको आवाज़ देती हूँ, आयशा। तो आ गई आयशा, आँख बंद करके उसको लेके आया गया है, और साथ में उसका पिगी बहन भी बैठा है आज। तो आयशा उसको खोलो, ये लड़की क्या है वो? अरे खा लो ना, नहीं, नहीं। अरे यही सरप्राइज है। अरे एक तो खा लो, नहीं, थोड़ा नहीं सा प्लीज ना, नहीं, मैं ये फेवरेट है ना तुम्हारा? नहीं, मैं खाती। अरे खाती नहीं, नहीं, देखो नहीं खा रही है। अरे सरप्राइज में यही था आज, थोड़ा सा देखो, इतना सा उंगली की नहीं खाना, अरे चाटने का नहीं, करेला खाना है नहीं। तो ये तो करेला नहीं खाइए। अब उसके डैडी को मैं बोलती हूँ कि वो असली वाला जो उसका सरप्राइज है वो लेके आ जाओ, और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। खाओ ना। तो आ गया है आयशा का सरप्राइज, और देखते हैं उसका रिएक्शन। खोलो, जेली बना है। हाँ, अब खा के बताओ कैसी बनी है। ये कट नहीं है, ये बड़ा हो गया। नीचे गिर रहा है अभी, नीचे गिर रहा, स्टार्ट हो गया अभी। खाओ, फिर से जा रहे कैसा है टेस्ट? ऐसे कर वापस, कैसा है टेस्ट? यम्मी, क्या हो गया? बड़ा बाइट आ गया, मुंह पूरा भर गया। अच्छा, तो जगह भी नहीं थी जबाने। ओह, जब इतना टेस्टी बना है। अच्छा चलो, तुम एंजॉय करो। तो आयशा ने अपनी जेली तो इन्जॉय कर ली है, और लास्ट हमारे चैलेंज वीडियो में, गोलगप्पा चैलेंज वीडियो जो हुआ था उसमें जब इसके डैडी हारे थे तो 500 रुपीज़ उसके गुडलक में डालने की बात हुई थी, तो वो भी आज हम लोग कर लेते हैं। उसको उसके गुडलक में 500 रुपीज़ उनसे लेते हैं और उसको देते हैं, बोलते हैं गुडलक में डाल दे। तो लाओ 500 रुपया।
ये देखिए, ये है 500 रुपीज की नोट इसका बदला लिया जाएगा। और आयशा के पास दे ट्रांसफर करके उससे उसके गुडलक में डालने देते हैं उसको। चलो ये है उसका यूनिकॉर्न का गुडलक। इतनी बड़ी नोट है कि उससे जा भी नहीं रही है। कॉइन लो। तो उस गुडलक में डाल के खुशी हुई आयशा? कितनी खुशी हुई? बहुत। तो आयशा ने अपनी जेली इंजॉय कर ली है और उसको उसका सरप्राइज कैसा लगा आयशा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और ऐसा सरप्राइज कुछ चाहिए? हाँ। अच्छा तो नेक्स्ट टाइम देखते, तुम स्टडी अच्छी करेंगे तो मैं कुछ और प्लान करेगी तुझे सरप्राइज देने का। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की भी एंडिंग ले लेती हूँ यहीं पर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।